मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग लिए बना रहे हैं एक और वैरायटी बिरयानी में। ये भी बहुत मज़ेदार और कम मसालों में बनती है। इसका नाम है मटन एंड वेजिटेबल बिरयानी। तो इसके लिए आपको चाहिए मटन, मिक्स मीट ले लें या चॉप्स, जैसे आपकी मर्जी। मैं चॉप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। बीच में आप पोटैटोज डालेंगे छीलकर, आपने इसको बॉईल कर लेना है। नमक डाल लीजिएगा ताकि थोड़ा सा ये सॉल्टिश हो जाए। मटर इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि पीस, ये भी मैंने बॉईल किया थोड़ा सा नमक के साथ में। बीच में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, दस जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, गर्म मसाला पाउडर मेरा होममेड है, हल्दी होगी टर्मरिक, पिसी हुई लाल मिर्च 10, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, इलायची पाउडर, ग्रीन कार्डमम पाउडर आपको मिल जाता है आसानी से पैकेट्स में, जर्दे का रंग मैंने इस्तेमाल किया है, केवड़ा वाटर एसेंस उसमें मैंने डाल करके मिक्स कर लिया है, दही जा रही बीच में 10 थिक ग्रीक योगर्ट, लो फैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं योर चॉइस, प्याज यानी कि अनियन जो है आपने ग्राइंडर में डाल लीजिएगा और उसको बिल्कुल आपने एक पेस्ट की फॉर्म में ले आना है। और चावल जो है हमेशा की तरह जैसे आपको मैंने बताया हुआ, उसको मैं ऑलरेडी बॉयल कर चुकी हूँ। 80% से मैंने इसमें जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी डाल करके नमक के साथ इसको मैंने बॉईल किया है और इसको एक साइड पर रख दिया है। तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह है। तेल हो चुका है गरम, इसमें आप ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, फ्लेम हाई पर रखेंगे और आपने इसको जो है गोल्डन कलर की तरफ लेकर के आना। तो ये देख लें इस तरह का कलर जो है बादामी सा हो जाता है। यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करेंगे नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और बीच में ऐड करेंगे हम साथ ही यहाँ पे चॉप्स और इनको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करें, फ्लेम हाई पर रखें और यहाँ पे तकरीबन आप इसको जो है अच्छी तरह भून लीजिएगा, तकरीबन 8 से 10 मिनट दें, चमचा इसमें हिलाते चले अच्छी तरह। यहाँ पर अब आपने दही के अंदर इस गोश्त को यहाँ पर भूनना है, तो फ्लेम हाई पर रखें और दोबारा 8 से 10 मिनट आप दे दें इसको अच्छी तरह भून लें। इसमें अच्छी तरह आपने इसको जो है यहाँ पर भी भून लिया। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे पानी, क्योंकि ये मटन है इसको टाइम लगना है पकने में, तो ये कि पानी डाल लें, मिक्स कर लें, कवर कर लें और जैसे हमेशा आपको बताया कि फ्लेम हाई पर रखें, जैसे इसमें जोश आएगा आप तब इसे कवर कर लो टू मीडियम पे इतना कुक करेंगे कि मटन कम्प्लीटली आपका डन हो जाना चाहिए यानी कि टेंडर, और तेल दोबारा सर्विस पर आ। तो ये देख लें परफेक्टली चॉप्स भी हो गई, तेल सर्विस पर आ गया और मसाला भी इसका तैयार हो गया। यहाँ पर ला करके अब आपने ऐड करना है जो कि आपको दिखाया था, इलायची पाउडर, गर्म मसाला पाउडर और इसे पहले इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब आप ऐड करेंगे जो कि हमारी बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं, फ्लेम हाई पर रखिएगा और सिर्फ आपने इसको यहाँ पे 2 से 4 मिनट देने ताकि अच्छे से जो मसाला है वो आलू पर और मटर पर आ जाए। अच्छे से कोटिंग हो गई, यहाँ पे हरा धनिया डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं और फिर जो है इसको चावलों के साथ मिक्स करते हैं। अब आप एक बड़ी हांडी लेंगे, उसमें मैंने जो है ये सालन को ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है और इसके ऊपर जो है अब हम यहाँ पर चावल डाल लेते हैं। चावल डाल लिए, इसके ऊपर अब आप डालेंगे जो कि आपको दिखाया था केवड़ा वाटर और इसे अब आप ढक करके, पहले आपने इसको हाई फ्लेम पर रखना है फॉर अबाउट 10 मिनट्स, उसके बाद 5 मिनट्स बिल्कुल दम पर रखेंगे और फिर इसे डिश आउट कर लेते हैं। दम देने के बाद इसको अब गरम गरम सर्व करेंगे अपनी पसंद की रायता या चटनी के साथ में। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर जिसको कुकफायजा.net पर, ज़रूर बनाइए। तब वो कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।